कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जो होते हैं जिसमें हमें एनालिसिस अगर करना होता है उस सर्किट को, तो हम कई बार क्या करते हैं, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं रेजिस्टेंसेस का, और फिर उस सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हो सकता है कि किसी किसी सर्किट में हो सकता है कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जिसमें हमें सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन को अप्लाई करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उस टाइप के सर्किट को अगर एनालाइज करना हो तो उसके लिए हमारे पास है किरचॉफ्स लॉ। तो सबसे ज़रूरी इसके लिए जो नोटेशंस होते हैं या फिर टर्मिनोलॉजीज होती है उसको पहले पढ़ लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर जंक्शन, या फिर उसे ही आप कह सकते हो नोड। तो जंक्शन या नोड क्या होता है? ऐसा मान के चलता हूँ यहाँ पर एक नेटवर्क है सर्किट का और मैं किसी एक टर्मिनल पर आ रहा हूँ। यहाँ करंट I1 एंटर हो रहा है, करंट I2 एंटर हो रहा है, करंट I3 एंटर हो रहा है, यहाँ से करंट I4 बाहर जा रहा है, I5 बाहर जा रहा है। ये जो टर्मिनल मुझे दिख रहा है उस टर्मिनल को मैं बोल दूंगा नोड या फिर जंक्शन। टेक्निकली अगर पूछा जाए तो इन अ सर्किट अ पॉइंट वेयर थ्री और मोर कंडक्टर मीट विल बी कॉल्ड एज जंक्शन और नोड। दूसरी बात, लूप क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किट है और यह एक बैटरी है जिसका EMF E है और यहाँ पर रेजिस्टेंस मैंने R दिखा दिया। तो ये जो मुझे दिख रहा है, ये सर्किट जो दिख रहा है, इसको मैं कह दूंगा लूप। ये हो गया हमारा लूप। तो अ लूप इज एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, लूप इज एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। चलिए अब किरचॉफ्स लॉ को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, दो मेजर पार्ट में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। एक होगा किरचॉफ्स जंक्शन रूल या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ, इसे हम शॉर्ट में KCL बोल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जंक्शन कंसिडर कर लिया ए, करंट यहाँ से इनवर्ड I1 आ रहा है, चलिए यहाँ से करंट I2 एंटर हो रहा है, यहाँ से करंट I3 एंटर हो रहा है, लेकिन I4 और I5 करंट जंक्शन से दूर जा रहा है। तो सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है, देखिए, इट इज अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट इनटू एनी जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ करंट इनटू एनी जंक्शन इज जीरो, या फिर करंट एट जंक्शन इज जीरो कह सकते हो आप। इसी का मतलब ये हुआ कि जितना करंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है जंक्शन ए पर, दैट एडिशन मस्ट बी जीरो। तो उसको थोड़ा और क्लियर करते हैं कि साइन कन्वेंशंस पहला ले लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है? तो करंट टूवर्ड जंक्शन अगर है तो उसको हम मान के चल देंगे पॉजिटिव, और करंट अवे फ्रॉम जंक्शन अगर है तो उसे मान के चलेंगे निगेटिव। तो जंक्शन पर करंट अगर आप देखोगे तो I1 टूवर्ड जंक्शन है इसीलिए ये प्लस हो गया, I2 भी टूवर्ड जंक्शन है तो यह प्लस हो गया, I3 भी टूवर्ड जंक्शन है तो प्लस हो गया, लेकिन I4 और I5 जो है वो अवे फ्रॉम द जंक्शन है इसीलिए मैंने इनको ऐड करते समय निगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करा दिया है। सो एडिशन ऑफ ऑल दोज मस्ट बी जीरो, क्योंकि समेशन चल रहा है यहाँ पर। तो उस हिसाब से अगर आप बात करते हो तो टोटल करंट टूवर्ड जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट अवे फ्रॉम जंक्शन। ये हो गया हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। तो यहाँ पर करंट टूवर्ड जंक्शन, या फिर इसको हम इनकमिंग, अगर हम जंक्शन से देखते हैं तो इनकमिंग करंट बोल सकते थे, और जंक्शन से अगर आप देखते हो तो I5 और I4 जो दिख रहा है मुझे वो आउट गोइंग करंट हो गया। तो इनकमिंग करंट के लिए पॉजिटिव यूज़ कीजिए और आउट गोइंग करंट के लिए निगेटिव यूज़ कीजिए। जो साइन कन्वेंशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया हमारे लिए,
क्योंकि थोड़ी देर में हम क्या करने वाले हैं, कोई अगर सर्किट मुझे दिख रहा है तो उस सर्किट को हम मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और जब मैथमेटिकली कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं तो उस समय साइन कन्वेंशंस ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। देखिए अभी बात करते हैं किरचॉप्स लूप रूल या फिर किरचॉप्स वोल्टेज लॉ के बारे में, विच इज़ पॉपुलरली नोन एज KVL। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या देखिए, द अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी लूप इंक्लूडिंग दोज एसोसिएटेड विद EMFs एंड दोज ऑफ रेजिस्टिव एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो समेशन ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस प्लस समेशन ऑफ ऑल EMF अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा जीरो। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पर मैंने एक लूप कंसिडर कर लिया, जो सेल है उसका EMF मान के चलिए ई है, इसने करंट आई रिलीज कर दिया, सो सेम करंट जो होगा रेजिस्टर के थ्रू जाएगा। और सेम करंट अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दिखा दिया, तो सेम करंट वुड पास थ्रू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इस सर्किट में मुझे जो दिख रहा है, यहाँ पर एक सेल दिख रहा है जिसका EMF ई है, हालांकि यहाँ पर कई सारे सेल्स आप यूज कर सकते हो। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिखा दिया। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइन कन्वेंशंस पर और फिर इसे हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पर EMF ई दिखा दिया, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो करंट आ है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें जो सेल का यहाँ पर जो बड़ी लाइन दिखाई गई है दैट इज़ कंसिडर्ड एज हाई पोटेंशियल, और ये जो छोटी लाइन है दैट इज़ लो पोटेंशियल। अगर मेरा सर्किट एनालिसिस का जो ट्रेसिंग है इस डायरेक्शन से, तो देखिए यहाँ पर मैं ट्रेस करते समय इस सेल में से पास हो रहा हूँ ऐसा खुद को अज्यूम कर लूँगा, एंड आई एम मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो मेरा डेस्टिनेशन हो जाएगा लो पोटेंशियल। तो मैं यूज़ कर लूँगा माइनस ई, सेल का EMF ई, तो ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल मैंने दिखा दिया। तो यहाँ जब मैं ट्रेस कर रहा हूँ सर्किट को तो मैं पहुँच रहा हूँ लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो जब हाई पोटेंशियल पर पहुँच जाता हूँ तो मैं इक्वेशन में यूज़ कर लूँगा प्लस ई। उसी तरीके से रेजिस्टर्स को देखिए, करंट जो पास होता है दैट करंट ऑलवेज पास फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी करंट हाई टू लो पोटेंशियल ही पास होगा। तो फिलहाल तो रेजिस्टर साइन कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, तो रेजिस्टर को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए ये रजिस्टर है, इसमें से अगर करंट ऐसे पास हो रहा है इट मीन्स दिस टर्मिनल मस्ट बी एट हाई पोटेंशियल एंड दिस टर्मिनल मस्ट बी एट लो पोटेंशियल। तो सर्किट ट्रेस करते समय अगर मैं हाई से लो पोटेंशियल तक पहुंच जाता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं यूज़ कर लूँगा। देखिए लो पोटेंशियल पहुंच गया तो इसीलिए मैं यूज़ करूँगा माइनस IR। उसी तरीके से देखिए लास्ट साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हैं, करंट की सेम डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए अगर मेरा सर्किट ट्रेसिंग, मैं सर्किट ट्रेस करते समय लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल अगर जा रहा हो तो लो पोटेंशियल टू हाई मतलब मैं हाई पर पहुंच गया, तो मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा प्लस IR। तो ये जो साइन कन्वेंशंस आपके सामने दिए हैं इनको हमें इस्तेमाल करना है इस सर्किट पर। तो चलिए हम यहाँ सेल बैट जो सेल है जिसका EMF ई है यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। तो इसको पहले तो लूप को नाम दे दीजिए ABCD। और जिस समय कई सारे लूप हो गए तो आपको लूप लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ लूप ABCD और जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म कर लीजिए। इससे हमें सीक्वेंस मिल जाता है इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो A से लेकर B तक आता हो तो कुछ नहीं दिख रहा है, B से लेकर जब मैं C तक जाता हो मतलब मेरा एनालिसिस इस तरीके से है, तो जैसा मैं रजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूँ आई एम मूविंग फ्रॉम हाई टू लो, तो मैं लो पर आ रहा हूँ। तो उस तरीके से मैं थर्ड जो साइन कन्वेंशन था हाई टू लो वाला मैं लो पर पहुँच गया, मतलब मैं माइनस IR यूज़ कर लूँगा इक्वेशन में माइनस IR। उसी तरीके से मैं कंटिन्यूस आगे जाता हूँ, सी से डी तक तो कुछ नहीं था, जैसे मैं डी से लेकर आगे जाता हूँ मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिख रहा है एंड आई एम मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल तक आ गया। तो
तो साइन कन्वेंशन 3 ही यूज़ करूँगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस आई इंटू स्मॉल आर। और आगे अगर मैं जाता हूँ तो सर्किट ट्रेस करते समय यहाँ सेल दिख रहा है, और सेल में से जब मैं जाता हूँ तो आई एम मूविंग फ्रॉम लो टू हाई टर्मिनल, क्योंकि मुझे वापस ए तक पहुँचना है। सो आई एम मूविंग फ्रॉम लो टू हाई, तो यहाँ यूज़ करना है मुझे सेकेंड साइन कन्वेंशन, तो आई एम यूजिंग प्लस ई, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो फाइनली ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, ये हो गया मेरा इक्वेशन। कई बार बच्चे ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर नहीं मान के चलिए मैं इस तरीके से ए बी सी डी ए को फॉलो ना करते हुए अगर ए डी सी बी ए को फॉलो करता हूँ तो क्या हो जाता है, तो मान के चलिए लूप ए डी सी बी ए, तो मैंने लूप जो है लूप कुछ इस तरीके से ले लिया। जैसे ही मैं ए से डी के तरफ जाता हूँ सो आई एम मूविंग फ्रॉम हाई टू लो थ्रू बैटरी, सो हाई टू लो, लो पर पहुँच गया हो, लो पर पहुँच गया हो मतलब मैं फर्स्ट साइन कन्वेंशन यूज़ करूँगा माइनस ई। देखिए वापस जब मैं आगे जाता हूँ तो रजिस्टर के थ्रू लो टू हाई पहुँच जाता हूँ, तो हाई लो टू हाई आ रहा हो तो हाई पर पहुँच गया मतलब मैं फोर्थ को यूज़ कर लूँगा लो टू हाई, अगर हाई पर पहुँचते हैं तो प्लस आई इंटू स्मॉल। उसी तरीके से डी से सी तक आता हूँ और सी से लेकर जैसे मैं बी की ओर जाता हूँ सो आई एम मूविंग थ्रू रजिस्टर थ्रू लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो हाई पर आ गया मैं। तो इक्वेशन साइन कन्वेंशन 4 के अनुसार प्लस आई आर आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको आप देखते हो तो यह इक्वेशन भी मुझे मिल गया है आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, दैट इज़ आई आर प्लस आर। तो आप लूप कौन सा फॉलो करते हो यह इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट यह है कि आप साइन कन्वेंशंस को क्लियरली फॉलो करो, तब जाकर इस सर्किट के लिए हम इक्वेशन तैयार कर सकते हैं।